सवाईमाधोपुर खंडार रेंज के गिलाई सागर चौकी के पास कुछ मजदूर मनरेगा के तहत मस्टर रोल का कार्य कर रहे थे। इस दौरान झाड़ी की ओट में छुपे हुए एक टाइगर ने अचानक से एक मजदूर पर हमला बोल दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर काम कर रहे अन्य मजदूरों ने हल्ला करके टाइगर को भगाया, जिसके बाद घायल की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी भी सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, साथ ही खंडार रेंजर विष्णु गुप्ता के नेतृत्व में टाइगर की ट्रैकिंग के लिए टीम तैनात की गई है। हालांकि अब तक किस टाइगर द्वारा यह हमला किया गया है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। मैं विष्णु कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाघ परियोजना खंडार। जैसे ही मुझे ये सूचना मिली कि कोई टाइगर ने नरेगा की लेबर जो वहाँ गिलाई सागर बंदे पे काम कर रही है अटैक कर दिया है, तो चूंकि हमारा चौकी बिल्कुल पास ही है तो तुरंत वहाँ पहुँच गए मेरे ड्राइवर मौसाराम और स्टाफ को साथ लेके। तो इनको सबसे पहले तो हमने वहाँ हॉस्पिटल खंडार लेके गए, वहाँ इनके प्राथमिक उपचार किया और उन्होंने यहाँ खंडार के लिए, यहाँ माधोपुर के लिए इनको रेफ़र कर दिया है। इनकी नाक पर चोट है, नाक पर अटैक किया है, हाथ पर चोट है, मेजर तो दो ही चोट हैं, थोड़ा सा पेट पर भी घाव नज़र आ रहा है, हो सकता है वो किसी और चीज़ का भी हो या छोटा नाखून वाखून का हो, और वैसे बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन चोट तो लगी है और टाइगर ने अटैक किया है। सर मौके पर कितने लेबर काम कर रही है? मौके पे 25-30 लोग हैं और उन्होंने इनको हल्ला, वो जैसा उन लोगों ने बताया, हल्ला करके उस टाइगर को भगा दिया, जिससे इसकी जान जो है बच पाई। सर कौन सा टाइगर हो सकता है ये अभी कोई निश्चित नहीं है कौन सा टाइगर होगा, लेकिन कई टाइगर का मूवमेंट है वहाँ पर। T3 भी वहाँ घूमता रहता है, T69 घूमती है, T123 भी आता है, T74 भी आता है। अब ये पता चलेगा, वहाँ टीम को लगा दिया गया है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 3 टाइगर का मूवमेंट है। बहरहाल विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुट गई है। मेरा नाम दिलकुश सैनी है, मैं खंडार से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं विष्णु चंद माली, इनको टाइगर ने अटैक किया गया है, चोटें गहरी हैं। तो ये सवाईमाधोपुर से इनको जयपुर रेफर किया गया है, सवाईमाधोपुर से जयपुर रेफर किया गया है। यहाँ इलाज पूर्ण रूप से नहीं होने पर इनको जयपुर रेफर किया गया है। वो जी क्या लेबर काम चल रहा नरेगा? हाँ हाँ। तो क्या लेबर काम कर रही थी? हाँ। अब बमूर तो यही है, बमूर काम कर रही थी। हाँ। अब क्या है कि हम कह रहे थे भाई, काम कर रहे थे भाई, यहाँ से काम करो, यहाँ से काम करो। हाँ। हमको पता नहीं, उन्होंने अटैक, डायरेक्ट अटैक कर दिया। अच्छा, क्या था? टाइगर था? टाइगर था और वो इसके पीछे पास में खड़ा हुआ था। और अगर वो तो दोनों खत्म खतरे पड़े अटैक करके चिल्लाए उड़ते मैंने किया वो, जब वो भग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पर? सर वहाँ नहीं गए, 30 लेबर करीब नहीं, 30-1 लेबर। टाइम इट राजस्थान के लिए सवाईमाधोपुर से साकेत जोशी की रिपोर्ट। मैं उसी वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम इट राजस्थान। टाइम इट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स।